हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। तो हाँ भाई, आज हम जरा बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 2011 का जो सेमीफाइनल मैच था उस पे, क्योंकि 30 मार्च को हुआ था और कल 30 मार्च ही है। तो बस उस पे कहीं नज़र आ रहा था मुझे कोई इंस्टाग्राम पे, तो मैंने कहा चलो इसी पे जरा गपशप करेंगे, जरा मेमरीज जो हैं उसको रिफ्रेश करेंगे भाई, क्या सीन हुआ। तो हाँ भाई, तब ये कहा जा रहा था कि तब तक का पूरी सदी का, मतलब 2000 के बाद का सबसे बड़ा क्रिकेट जो मैच है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल मोहाली में जो खेला जाना था वो था। और बिल्कुल जितनी इसकी हाइप थी, क्योंकि 3-4 दिन पहले ही पता चल गया था कि जी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो होगा ये सेमीफाइनल खेला जाएगा, और जो टिकट की प्राइस थी वो आसमान पे चली गई, और जो वहाँ पे होटलिंग वाले थे उनकी ईद होगी, उनकी मतलब चांदी होगी, इन अ वे के जो कम रेट पे होटल थे वो ज़्यादा उनके पैसे वो मांगना स्टार्ट हो गए। एनी हो, शॉर्ट बात यह है कि बहुत ज़्यादा हाइप थी इसकी मीडिया में और हर तरफ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो मैच है वो खेला जाएगा। बहरहाल जी, बड़ी हमने प्लानिंग की, कभी हम सोचे थे पार्कों में जो मतलब जो स्क्रीन लगेंगी वहाँ पे जाके देखेंगे, और आप भी बताइएगा कहाँ आपने ये मैच देखा। बहरहाल 4-5 हम लोग थे दोस्त आपस में, हमने कहा जी हम जाके सिनेमा में ये देखेंगे। सिनेमा में बड़ी स्क्रीन पे टिकट शिकट खैर ले लिए, जाके मैच देखा। मैच स्टार्ट हो गया जी, पता चला जी इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, तो वहीं से धचका लग गया कि पाकिस्तान से तो 200-250 बड़ी मुश्किल से चेज होता है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए चेज करना, खास तौर पे प्रेशर गेम में तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हमने कहा चलो जी देखते हैं स्टार्ट कैसे होता है। तो स्टार्ट क्या हुआ, सहवाग कुछ ज़्यादा ही कुछ डेंजरस मूड में थे, उमर गुल जो कि हाँ के ठीक ठाक अच्छी फॉर्म में थे उस वर्ल्ड कप में, और मुझे याद है कि उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उमर गुल ही आए थे, तो कह रहे थे जी मैं कोशिश करूँगा ऊपर की टॉप ऑर्डर की जो विकटें उड़ाने की वो ज़रा कोशिश करेंगे। और भाई साहब तीसरी ओवर में क्या हुआ कि सहवाग ने दो चौके लेग साइड पे, दो ऑफ साइड पे, एक और चौका, नो बॉल भी कराई, एक ओवर में 5 चौके जो पड़े। तो भाई हमारा तो एक दोस्त था उस्मान, उसकी तो वहीं बैठे बैठे तबीयत ख़राब होने लग गई, वहीं पे कह रहा यार रिजवान कुछ हो रहा है मुझे, यहाँ पे कहीं दर्द हो रहा है। साथ में एक और दोस्त भी था आतिफ, जिसके साथ मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाई थी, कॉलेज के ज़माने के दोस्त थे, तो कहता भाई तू निकल, तू जा यहाँ से, बाकी घर जाके मैच देख गया। और वो लिटरली वहाँ से निकल गया, मतलब वहाँ बैठ के उसे देखा नहीं गया, काफ़ी पैशनेट है वो क्रिकेट को लेके, तो उससे मैच देखा नहीं गया भाई, वो निकल गया, बाकी जाके उसने घर में ही देखा मैच। खैर बाद में तो जब एंड ऑफ द डे हमने भी सोचा भाई उसने अच्छा फैसला किया था। एनी हो जी, सहवाग ने धुलाई कर दी उस ओवर में, कुछ 4-5 ओवरों में 45 रन्स थे, ठीक ठाक मतलब रन्स पड़े थे। वो फिर वहाब रियाज आया वापस, और बड़ा मतलब इन अ वे के कभी नाम नहीं था तब इतना वहाब रियाज का, और शुएब अख्तर का था कि वो खेलेगा ये मैच, लेकिन वो नहीं खेले, वहाब रियाज को लेके आए, और वहाब रियाज ने वो फिर ज़रा थोड़ी सी मुफ क्या वो एक लफ्ज़ बोलते हैं, जहन में नहीं आ रहा, बहर जी आउट कर दिया सहवाग को, और लाइक बिफोर, और तब थोड़ी राहत आई सुकून में, हाँ भाई चलो अब ज़रा जो के लग रहा था कि 300-350 जो कराची में मैच इंडिया ने 350 किया था, कि वैसा कोई सीन के सहवाग आज भी मूड में जिस तरह उस मैच में था, तो वो खैर आउट किया और थोड़ी सी राहत मिली, शांति मिली कि हाँ जी चलो ठीक है अब ज़रा सुकून में आ जाएगा काम। खैर करते कराते, और उस मैच में सचिन तेंदुलकर जो है वो खड़े रहे, 2-3 उनको चांसेस भी मिले, 85 रन उन्होंने किए, उससे पहले गौतम गंभीर ने भी, हाँ सहवाग ने मतलब 36 कोई रन किए, तो 9 चौके मारे भाई, 9 तो चौके मारे उसमें। तो खैर पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी उसमें वहाब रियाज ही ज़रा ठीक तरीके से उन्होंने बॉलिंग करवाई, बाकी अब्दुल रजाक तो पता नहीं क्या क्यों खेले थे उस मैच में, 2 उन्होंने ओवर्स करवाए थे टोटल। बाकी उमर गुल की भी जो धुलाई पड़ी थी, कोई 8 ओवरों में कोई 70 रन्स दे दिए भाई, और खैर बुरे ही हालात थे ये हमारी फास्ट बॉलिंग को लेके, सिर्फ वहाब रियाज ने ज़रा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। सईद अजमल उन्होंने 1-2 बार उनके चांसेस मिले, 1-2 कैचेस उनकी गेंद पे छूटे, बहरहाल उन्होंने कंट्रोल करके किसी हद तक रखा सचिन तेंदुलकर को, और LB भी उन्होंने किया, अंपायर ने आउट दे दिया। खैर वो अभी तक वो सईद अजमल कहते हैं कि नहीं वो मेरे साथ ज्यादती हुई है, वो विकेट पे जा रहा था, ये कोई टेक्नोलॉजी ने गड़बड़ किया, वो गेंद मिस करवा दिया। तो खैर LB भी हुए, उन्होंने रिव्यू लिया, बचत हो गई। तो करते कराते गंभीर को फिर आउट किया उसने, हफीज़ ने स्टंप करवाया, बड़ी अच्छी वो गेंद थी, हफीज़ भी बड़े वाइटल थे उस मैच में पाकिस्तान की तरफ से, हफीज़ और इंडिया की तरफ से युवराज अफरीदी भी, मतलब 10 ओवर भी करवाते थे और बैटिंग भी करते थे।
हफीज ने 10 ओवर किए, सबसे इकोनॉमिकल किस्म की बॉलिंग उन्होंने करवाई। खैर जी, ऊपर से फिर जब 141 का जो स्कोर था टोटल, उस पे आउट हुआ विराट कोहली, तब तो खैर नए नहीं आए थे, दुनिया को पता नहीं था कि ये क्या चीज़ है, बाद में जाके पता चलेगा। वो खैर आउट करवाया वहाब रियाज ने, और फिर अगले ही गेंद पे जो यॉर्कर मारा, युवराज सिंह सुप्रीम फॉर्म में थे उस पूरे वर्ल्ड कप में, और भाई साहब पता नहीं था वहाब रियाज का क्या चीज़ है, लेकिन मनवा लिया भाई उसी मैच में। आए भाग के जो यॉर्कर मारा है, ओए होए होए, मज़ा आ गया। हम आई स्टिल रिमेम्बर के जो खड़े हुए थे पूरे, हम बैठे हुए थे सिनेमा हॉल में, जैसे ही अच्छा 4-5 लोगों ने आगे रेडियो लगाया हुआ था, उसमें ना वो पहले पता चल जाता है कोई 2-4 सेकंड के क्या हुआ है, वो आगे वाले वो रेडियो जो लगाया था वो खड़े हो गए, ओ हो हो, देखा जी 4-5 सेकंड बाद वीडियो देखी, वो यॉर्कर लगा और युवराज सिंह जो कि सुप्रीम फॉर्म में थे, वहाब रियाज ने उनकी विकेट उड़ा दी। पूरा जो सिनेमा हॉल था, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया, खड़े हो गए भाई, तालियां छालियां ये वो। बहरहाल फिर बड़ी सेंसिबल इनिंग खेलते रहे सचिन तेंदुलकर, रन लकी भी रहे, मतलब ठीक है बीच में इक्का दुक्का एक दो बाउंड्री, लेकिन पाकिस्तान ने फिर कंट्रोल कर लिया काफ़ी सिलसिला। खैर जी, फिर करते कराते फिर सचिन तेंदुलकर आउट हुए, फिर 206 स्कोर पे महेंद्र सिंह धोनी भी आउट हो गए, और हमने कहा जी 42 ओवर्स हो गए हैं, 206 स्कोर है, चलो 235-40 हो जाएगा, लेकिन रैना उस मैच में जमा रहा और खड़ा रहा, और खैर चौके तो दो ही मारे, रन अ बॉल उन्होंने कुछ किया कोई सिलसिला। और ये देखें, ये भाई साहब हमारे नेबर्स, ये पतंग उड़ा रहे हैं आपको, ये पहले मैं आपको दिखा दूँ, किधर गई है पतंग, किधर गई है भाई, वो रही जी ऊपर वो, हाँ इधर करके दिखा देता हूँ भाई आपको। हाँ भाई, तो कहाँ तक पहुँचे थे, हाँ 206 स्कोर पे जब धोनी आउट हुए ना, तो फिर ज़रा राहत मिल गई कि हाँ चलो अब ज़रा 235-40 तक पकड़ लेंगे, चलो पाकिस्तान 250 से नीचे नीचे हो तो फिर भी कोई उम्मीद होती है पाकिस्तान के जब चेस कर रहा होता है। खैर रैना ने सेंसिबल इनिंग खेली, बीच में आके हरभजन ने भी एक दो चौके छोके, और बाकियों ने भी, जहीर खान, मतलब करते कराते 260 पे पहुंच गया सिलसिला। बॉलिंग में सिर्फ वहाब रियाज ने एक्सीलेंट बॉलिंग करवाई, सईद अजमल और ठीक है अफरीदी ने भी अच्छे बॉलिंग करवा दी, बाकी उमर गुल और का तो मैंने आपको बता ही दिया, हफीज़ ने ज़रा जान छुड़ाई, अब्दुल रजाक की ओवर्स बाकी करवाए हफीज़ ने भी 260। उसके जवाब में जब बारी आई जी पाकिस्तान की, ठीक है ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल गया, कामरान अकमल ने ठीक है स्टेट पे चौका मारा एक पहला ही, और उसके बाद 41-42 के आसपास खैर पॉइंट पे कैच दे बैठे, आउट हो गए जहीर खान की गेंद पे, फिर भी सिलसिला स्मूथ चल रहा था, मतलब 14-15 ओवर में आपके 75 रन्स हो, एक खिलाड़ी आउट हो, तो आपने 260 चेस करना हो तो आप फिर भी मतलब आप पीछे नहीं होते, आप मतलब एक स्लाइड सा आप अहेड ही होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या कोई दिमाग में कोई क्या आया हफीज़ के, मतलब ऑफ की इतनी साइड पे गेंद जा रही है, उसको कोई लेग साइड पे ऐसी गेंद देखी भी नहीं, वो गेंद आने से पहले ही फैसला कर लिया जी मैंने ये शॉट खेलनी है, अजीब सी वहाँ पे शॉट खेल के जी वो चलते बने, ठीक ठाक वहाँ तक काम ठहरी था भाई। खैर वो अपनी फजूल सी विकेट दे दी, उसके बाद तो फिर तू चल तो मैं आया, और बस वही सिलसिला मतलब शुरू हो गया। फिर 102-3 पे असद शफीक को बोल्ड कर दिया उसने युवराज सिंह ने, और यूनस खान जो कि मैं समझता हूँ उनको 2011 का वर्ल्ड कप, वो 2015 भी खेल गया भाई वो बंदा वर्ल्ड कप, अजीब ही कोई रो दो के जी मुझे खिलाओ और ये कर दो वो कर दो, 2015 का भी वर्ल्ड कप खेला, 2011 का भी नहीं होना चाहिए था। शुएब मलक अच्छा कंटेंडर था उस वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की तरफ से, और ख़ास तौर पर जब इंडिया पाकिस्तान की विकेट्स हों, उसका रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा था, ये उसके साथ ज्यादती की तब उसको टीम में होना चाहिए था, यूनस खान की जगह वो उनकी बिल्कुल जगह बनती थी। खैर यूनस खान वो भी फिर ऐसे ही आए और ऐसे ही गए, और कोई ख़ास बिल्कुल फजूल सी उनकी इनिंग्स थी। उसके बाद जी जो है उमर अकमल, खैर वो आया, उसने 2 छक्के मारे, क्योंकि 2 छक्के उसने मारे थे पूरे मैच में, एक मिसबा ने, पूरे मैच में 3 ही छक्के थे, आके उसने जी 2 छक्के मारे, ज़रा थोड़ा सा पता चला कि हाँ नहीं थोड़ा सा बिल्कुल सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ है दमखम मैच में। खैर करते कराते फिर वो जो अभी भी गेंद याद है वो हरभजन की, वो विकेट के इस तरफ से आए, आके ज़रा थोड़ा तेज़ उन्होंने मारी गेंद, और वो ऑफ साइड के जो ऊपर का ऐसा डंडा ना उधर टिक करके वो लगी, और होप्स भी बैठ गई झाग की तरह। तो खैर काम वो उमर अकमल बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे वो, मतलब प्रेशर लग रहा था एकदम से, क्राउड जो भरा हुआ था, 2 छक्के लगे बिल्कुल शांति आ गई, और पीछे से धोनी भी कुछ बॉलर्स को कह रहे थे ऐसे करो वैसे करो, तो पता चल रहा था भाई थोड़ी सी गड़बड़।
हो गई है, पाकिस्तान ने थोड़ा सा कमबैक किया, उनका आउट होना था, फिर मजीद प्रेशर, डॉट बॉल्स मिस बात वहाँ पे मौजूद थे, फिर अब्दुल रजाक जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के एक अच्छे ऑलराउंडर थे, लेकिन उस मैच में उन्होंने बिल्कुल फजूल किस्म की कोई परफॉर्मेंस उनकी बॉलिंग में दो ओवर करवाए, और बैटिंग में मुनाफ पटेल की गेंद पर जो कि सीधी सीधी गेंद थी आगे भाई, और पता नहीं चला कोई बल्ला क्या हुआ, हालांकि सीधी सीधी गेंद थी, बिल्कुल ऐसे अंडर प्रेशर आए, क्या हुए ऑफ साइड का वो जो डंडा है वो जो उड़ के जा रहा है और वो वापस आ रहे हैं, हालांकि वहाँ पे मतलब वो 25-30 रन्स मतलब कर देते तेज़ थोड़ा सा 20-22 गेंदों पे, उनमें अहलियत भी थी लेकिन वो प्रेशर में आ गए, वो नहीं हो सका उनसे। और फिर जो अफरीदी हैं वो तो आपको पता है, अफरीदी इज़ बिंग अफरीदी, और तब वो था पावर प्ले का सिलसिला था कि जी आप वो फील्डिंग वगैरह आपको पता है कि 40 ओवरों के बाद या 35 उस पर कोई था, रूल्स भी चेंज होते रहते हैं कि फील्डरिंग अंदर आ जानी थी फिर आप ऊपर से हिट मार लेते, लेकिन अफरीदी तो अफरीदी हैं, उनको फिर ऐसी टेक्निकल बात कौन समझाए, उन्होंने जी वो फुल टॉस को उठा दिया ऊपर और वो जी कैच दे के वो भी बाहर, तब से पता चल गया कि भाई ये जो उम्मीद है ना ये मिसबा क्या 2011 वाले मिसबा वैसी सिलसिला होगा। लेकिन क्लोज आते 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 पाकिस्तान वो मैच हारा और मिसबा बस अकेले रह गया, वो हाथ में बल्ला रह गया तो मिसबा कल्ला रह गया, वही वाली बात हमेशा से जैसे होता है। तो खैर पाकिस्तान वो मैच हार गया आई गेस 29 रन से, तो बड़ा एक बड़ा मैच था और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि टीम काफ़ी बेहतर थी, पाकिस्तान की काफ़ी बैलेंस टीम थी, सिर्फ ये यूनुस खान की बजाय अगर शुएब मलिक वगैरह होते तो मज़ीद ज़रा बेहतर हो जाती, और बॉलिंग में मतलब उमर गुल का बहुत ही बुरा दिन गया, बड़ी कुटास उनको चढ़ी, तो ये आज का दिन था। मैंने कहा चलो इस पर ज़रा थोड़ी सी गपशप कर ले, सूरज हो गया गरूब पीछे से, आपने देख लिया क्या सिलसिला है, मज़ीद भी हम इस तरह की कोई डिस्कशन करेंगे, कोई अच्छा कोई मैच कोई आएगा उस दिन का तो फिर उस पर हम गपशप मारेंगे। आप बताइएगा आपने कहाँ पर यह मैच देखा था और आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो ज़रा थोड़ी सी रिफ़्रेश करते हैं, बाकी तो आप कोरोना की वजह से बैठी हुए हैं घरों में, तो चलो इसी पे ज़रा गपशप मारेंगे, ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।